कपकोर थाना अंतर्गत ग्राम बाछम में पुलिस ने पिंडर नदी से एक ग्रामीण का शव बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि बाछम निवासी खुशाल सिंह पुत्र हरक सिंह के लापता होने की सूचना मिली थी। गत दिवस ग्रामीणों ने पिंडर नदी में पत्थरों के बीच शव होने की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस व SDRF की टीम ने शव बाहर निकाला। शव की पहचान लापता ग्रामीण खुशाल सिंह पुत्र हरक सिंह के रूप में की गई है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इधर पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव ने बताया कि इस संबंध में अभी तक किसी ने भी संदेह व्यक्त करते हुए तहरीर नहीं दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रथम दृष्टया पुलिस ने पहाड़ी से गिरकर ग्रामीण की मौत की आशंका जताई है। ये पुलिस के पास कल जो है सूचना आई थी, बाछम क्षेत्र है जो कपकोट का, वहां पर नदी के किनारे एक जो है डेड बॉडी आदमी की मिली है। उस विषय पर फिर तत्काल हमारे थानाध्यक्ष और बाकी फोर्स मौके पर गया, वहां जाकर के जानकारी करी तो उसमें पता लगा एक व्यक्ति है, उनकी शिनाख्त हो गई थी और उनकी जो है डेड बॉडी वहां पर मिली। अभी तक किसी के द्वारा इसमें कोई ऐसी FIR या ऐसी सूचना नहीं दी गई है। हमने बॉडी को पुलिस कब्जे में लेकर उसका पंचायतनामा विधि पूर्वक भरा है और उसका पोस्टमार्टम करा रहे हैं, और इसमें अगर जैसी भी कोई ऐसी कंप्लेंट आती है तो उस हिसाब से हम इसमें कार्रवाई करेंगे। प्रथम दृष्टया अब ये तो पोस्टमार्टम के बाद समझ में आएगी ज्यादा सही चीज, लेकिन जो प्रथम दृष्टया लगा कि ये जो है कहीं ऊपर से पहाड़ी से नीचे गिरे हुए लग रहे हैं और नदी में थोड़ा बह करके भी आगे गए हैं, इस तरह के फिलहाल हमें जो प्रथम दृष्टया चीजें दिख रही थी। बाकी पोस्टमार्टम में इसके कारण समझ में आएंगे और अगर इसमें और कोई भी कोई एप्लीकेशन आती है तो हम उस हिसाब से तदनुसार विधिक कार्रवाई करेंगे। अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं उन्होंने कुछ लिख करके हमें नहीं दिया है, और जैसा कि प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ऊपर से बॉडी गिरी हुई है, नीचे गिरने के संकेत मिले हैं और बॉडी बहने के संकेत मिले हैं। जैसा परिजन अगर कोई ऐसी चीज देते हैं तो फिर हम नजरिए से भी उस चीज को तफ्तीश करेंगे। 50 साल के करीब इनकी मृतक की उम्र है। CCN News के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।